नेटवर्क हार्डवेयर में हमारे पास कोई दो से तीन चीजें, ज्यादा चीजें हैं नहीं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो क्या है, एनआईसी। अच्छा, एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, ये हमारे सीपीयू में लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये हमारे सीपीयू में कहीं पे लगा हुआ होगा क्या, एनआईसी। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? ये एनआईसी का जो पर्पस है वो क्या है कि ये हमारे सीपीयू को या हमारे कंप्यूटर को हेल्प करता है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। किससे कनेक्ट करने के लिए? वाईफाई से। Sir, is this in the motherboard or the CPU, the processor? नो, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इट इज जस्ट अ कार्ड। Sir, like a Wi-Fi card? या वी कैन से लाइक अ वाईफाई कार्ड। एक सेकेंड, मैंने तुम्हें इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये इसको कहते हैं हम एनआईसी कार्ड। इस एनआईसी कार्ड का क्या पर्पज है? ये जो है हमें कनेक्ट करता है किससे? इंटरनेट से। ये जो देख रहे हो ना, इसको कहते हैं ईथरनेट कनेक्शन। यस सर, लैंड पोर्ट। यस। जैसे ये जो है ये क्या है, वायर्ड है। लेकिन अब जैसे हमारे फोन वगैरह है या लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप के अंदर भी होता है ये कनेक्शन, लेकिन जो नॉर्मली हमारे आईपैड्स हो गए, फोन हो गया, उसके अंदर सेम टू सेम ऐसा एक कार्ड यूज होगा, लेकिन वो क्या होगा, उसके अंदर ईथरनेट कनेक्शन नहीं होगा, वो वायरलेस होगा। ठीक है, तो ये था जी एनआईसी सर, कार्ड। सही है, तो ये हमारा एनआईसी था। इसका ये कार्ड होगा। इसका पर्पस क्या है? बस ये चीज आती है, इसका पर्पस पूछता है, इसका पर्पस क्या है? वाईफाई से कनेक्ट करता है हमारी डिवाइस को। ओके सर। तो अगला है टॉपिक हमारा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पर्पस ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस जो है ना, हमारे पास एक ऐसा एड्रेस है, ठीक है, ये इस फॉर्म में होगा। इसका पर्पस ये है कि ये हमारी जो डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पे। ठीक है, ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस क्या करता है, वो अलग चीज है। वो हमें आइडेंटिफाई करेगा इंटरनेट पे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम ये है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है मैंने वाईफाई, सही है, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या चीज का होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा इस लैपटॉप का। ठीक है, यानी ये इंटरनेट पे, पूरी जो इंटरनेट की दुनिया है उसके अंदर जो मेरा लैपटॉप है उसको आइडेंटिफाई करेगा कौन? मैक एड्रेस। लेकिन इसी इंटरनेट की दुनिया में मुझे आइडेंटिफाई कौन करेगा? आईपी एड्रेस। बेसिकली आईपी एड्रेस वो एड्रेस है जिससे मैं इंटरनेट पे कनेक्ट होऊंगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो मैक एड्रेस होगा ना, ये होगा मेरे हार्डवेयर का। अच्छा, तो ये जो मैक एड्रेस होगा ना, ये मैक एड्रेस क्या होगा? ये मेरे हार्डवेयर का एड्रेस होगा। ये मेरे हार्डवेयर यानी जो मेरी डिवाइस जिससे मैं कनेक्ट होऊंगा ना, ये उसका एड्रेस होगा। वाईफाई पे मेरे हार्डवेयर को या मेरी डिवाइस को कौन आइडेंटिफाई करवाएगा? मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करवाएगा। लेकिन मुझे कौन आइडेंटिफाई करवाएगा? आईपी एड्रेस। ये चीज समझ आई? So, can you explain one more time? अच्छा, ठीक है, मैक एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस? हार्डवेयर एड्रेस का क्या मतलब है? मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी डिवाइस को डिफरेंशिएट कराएगा या आइडेंटिफाई करवाएगा किधर?
इंटरनेट पे, सही And है shared in मतलब। the S3 and MAC address cannot be changed, right? या मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, इट इज जस्ट फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस। तो मैक एड्रेस इज 48 बिट या 64 बिट एड्रेस। सही है, 64 बिट है या 48 बिट एड्रेस, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, डिपेंड ऑन दी कंपनी। नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ ये क्या होता है, एसोसिएटेड है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना मैक एड्रेस इज रिटन इन हेक्साडेसिमल लैंग्वेज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये Base16 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सही है, उसके बाद मैक एड्रेस चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Sir, can you zoom out so I can see the points? ओके okay. ठीक है, ये इसका हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद करना लाजमी है। अगर डेफिनेशन आए ना तो उसमें भी ये पॉइंट लिख देना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप। फर्स्ट 3 ग्रुप्स टेल्स अस अबाउट ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक और, मैक एड्रेस जो है ना हमारे पास इस टाइप का होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है मैक एड्रेस लिखने का, और एक होता है ये। सही है। अच्छा, ये NN और DD, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है ये नॉर्मली ऐसे यूज किया है, यहाँ पे कोई सी भी चीज हो सकती है। हेक्साडेसिमल में होगा ये, उसके अंदर सही से समझ आएगा। हेक्साडेसिमल जो है 16 बेस होता है, उसके अंदर 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे, ए से एफ तक के अल्फाबेट्स होंगे। तो ये एन और डी के अंदर समझो 0 से 9 तक के नंबर होंगे और ए से एफ तक के अल्फाबेट्स होंगे। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी एक कोई मैक एड्रेस बनाऊं, Can you तो explain that again? हेक्साडेसिमल जो है ना ये हमारा नंबर सिस्टम है, ये 16 बेस नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये चैप्टर 1 के अंदर है, तो हम उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जो नंबर सिस्टम है हमारा हेक्साडेसिमल, उसके अंदर 0 से 9 तक के नंबर होंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद ABCD स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर ए का मतलब 10 होगा, बी का 11, 12, 13, 14 और ये 15। सही है ये। Sir, I'm having confusion in this. अच्छा, Sir, is this referring to the number system topic in computer science? या इट इज रेफरिंग टू नंबर सिस्टम। अच्छा खैर, अभी सुनो, इसको ना समझ आ जाएगा आराम से। हेक्साडेसिमल ना हमारे पास नंबर सिस्टम है, जी बिल्कुल सर. सेम एग्जैक्ट है बाइनरी की तरह। बस बाइनरी क्या है, उसके अंदर 2 बेस होती है। 2 बेस का क्या मतलब है, इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट होंगे, 0 एंड एंड 1. वन। सही है। सिमिलरली Answer in hexadecimal, will there be 15 digits? यस, देयर विल बी 15 डिजिट्स,
नॉट एग्जैक्टली 15, देयर विल बी 16 डिजिट्स, 0 टू सर 9, जीरो जीरो टू 0 टू 9 इफ यू विल काउंट 0 एज वेल, सो इट विल बी 10 डिजिट्स, एंड ए टू एफ इट विल रिप्रेजेंट 10 टू 15, सो दीज विल बी 6 डिजिट्स. सर जीरो ठीक है, टू नाइन इज सो नॉट सर आई थॉट जीरो टू नाइन इज बाइनरी हेक्साडेसिमल, सी हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक ओके है, सर तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम का कॉम्बिनेशन है विद अल्फाबेट्स. ठीक है, ओके सर तो इसमें 0 से 9 तक तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बेस 10 है, सही है. फिर 6 एक्स्ट्रा डिजिट्स आ जाएंगे जो कि क्या होंगे, 11, 12, 13, 14 और 15, सही है, और 10 एज वेल. ठीक है, क्योंकि ओके 0 से 9 सर है, तो दिस दिस इज रिप्रेजेंटेड एज हेक्सा. सो हेक्सा प्लस बाइनरी नंबर सिस्टम व्हिच इज बेस 10, डिजिट 10, सो दिस मेक्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके सर सही है, तो यही होगा उसके अंदर. मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस क्या यूज करेगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो ये मैक एड्रेस बनेगा कैसे, ये कॉम्बिनेशन होगा 0 टू 9 और ए से एफ तक के डिजिट्स का. फॉर एग्जाम्पल 9A, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एक मैक एड्रेस बनाया मैंने, सही है. डिफरेंट हो सकता है, हर कंपनी अपना अलग अलग बनाती है, सही है. बनाना नहीं आना चाहिए अभी, अभी बस इतना पता होना चाहिए कि जो ये वाला है ना ग्रुप, ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 3 ग्रुप, ऑल टुगेदर इट हैज 6 ग्रुप. हाउ 6? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. ठीक है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप एंड दिस 3 ग्रुप. सो द फर्स्ट थ्री ओके ग्रुप सर इट टेल्स अस अबाउट द मैन्युफैक्चरर, कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इंटेल है या कोई और सा है. ठीक है, और ये जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे या लास्ट 3 ग्रुप है ये वाला हमारा, ये जी हमें क्या सर बताएगा, सीरियल नंबर. ठीक है, तो ये चीज याद कर लेना कि फर्स्ट 3 ग्रुप विल टेल अस मैन्युफैक्चरर, लास्ट 3 ग्रुप विल टेल अस सीरियल नंबर. इसका लास्ट पॉइंट मैक एड्रेस का, ईच डिवाइस विल हैव सेपरेट मैक एड्रेसेस सर या एज वेल एज यूनिक मैक एड्रेसेस. ठीक है, अब बात आती है कि मैक एड्रेस यूज कहाँ होता है, इसका यूज क्या है, इसको बनाया क्यों गया है. ठीक है, मैक एड्रेस बनाया इस वजह से किया है कि जो साइबर क्राइम होते हैं या जो हैकर साइबर क्राइम्स कर रहे होते हैं वो कैसे करते हैं, वो कोई ना कोई डिवाइस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं. तो जब भी जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनको जब भी किसी हैकर को पकड़ना होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, इंटरनेट पे जाके सर्च करता है कि भाई ये कौन सी डिवाइस से ये साइबर क्राइम हुआ है. ठीक है, तो वो जो मैक एड्रेस होगा ना, वो हमें क्या बताएगा कि ये कौन सी डिवाइस से साइबर क्राइम हुआ है. क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन इंटरनेट. ठीक है, तो जब एक डिवाइस का पता चल जाएगा तो उसके सीरियल नंबर का पता चल जाएगा और उसके मैन्युफैक्चरर का पता चल जाएगा. जब ये दो चीजें पता चल जाएंगी तो उस डिवाइस, उस मैन्युफैक्चरर से जाके जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो इस सीरियल नंबर, किसने ये सीरियल नंबर खरीदा है या ये वाली डिवाइस किसने खरीदी है, वो पता लगा लेते हैं और जाके उस बंदे को पकड़ लेते हैं. ओके इसके बाद हमारे पास दो टाइप के मैक एड्रेस होते हैं, एक टाइप है इसकी LAA, UAA और LAA. UAA का फुल फॉर्म है हमारे पास यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेस. देखो, जैसे हर चीज के अंदर टाइप्स आती है ना, वैसे मैक एड्रेस के अंदर भी, जैसे रैम के अंदर दो टाइप्स थी ना, रैम में, रैम के अंदर दो डी टाइप, रैम एंड एस रैम हाँ वैसे ही मैक एड्रेस के अंदर भी ना दो टाइप्स है हमारे पास. सबसे पहली टाइप कौन सी है, LAA. दूसरी टाइप कौन सी है, UAA. यू का मतलब है यूनिवर्सली, ए का मतलब है एडमिनिस्टर्ड, और एड्रेस जो है ना ये आता है मैक एड्रेस से. ठीक है, सिमिलरली अगर LAA की बात करूं मैं, LAA के अंदर L आता है लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस. ठीक है, अब ये जो LAA है और UAA है,
ठीक है, दोनों अलग चीज नहीं है, सेम ही है। ये दोनों मैक एड्रेस है, दोनों का काम सेम है, बस इसके अंदर एक फर्क है। याद है तुमने मैक एड्रेस की क्लास जो हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले तुमने कहा था कि इट कैन नॉट बी चेंज। मैक एड्रेस जो है ना वो दो टाइप के इसी वजह से होते हैं, जो यूएए है ना ये चेंज नहीं होता। Instead, the local one changes can be हाँ ये changed. वाला चेंज है, या दिस वन कैन बी चेंज। ठीक है, तो इसके अंदर बस यही डिफरेंस है कि when user wants to change the MAC address, ठीक है, एलए में क्या होगा कि जब भी किसी यूजर को या किसी कंपनी को अपना मैक एड्रेस चेंज करना होगा किसी भी इशू की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही इंटरनेट से, या जो है वो डिवाइस सही से शो नहीं हो रही इंटरनेट पे, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रही इंटरनेट पे, तब जाके एलए के थ्रू मैक एड्रेस को चेंज करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एम्बेडेड वेब सर्वर, ये अलग सर्वर होते हैं, इनसे जो है ना चेंज करते हैं मैक एड्रेस को, जो कि आसान नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, नॉर्मली ये होता तो नहीं है, अगर बहुत ही कोई ज्यादा जरूरत पड़ती है तब जाके मैक एड्रेस चेंज करते। यूएए जो है ना ये जो है चेंज नहीं होता, ये परमानेंट होता है। ये बस ये डिफरेंस याद कर लो, यूएए क्या होगा परमानेंट और एलए क्या होगा चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कोई क्वेश्चन? No, sir. Subscribe to CS by Hamza if you find any value in it. Thank you for watching.